समोसे ले लो, समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे ले लो। माँ, मुझे पता चला है कि बगल के जंगल में एक समोसा का दुकान है जो काफी स्वादिष्ट समोसा बनाता है। उसका समोसा काफी स्वादिष्ट होता है। माँ, मुझे भी खाना है, मुझे भी खिलाओ ना, मेरे लिए समोसा ला दो ना माँ। बगल के जंगल में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट समोसा मिलता है, माँ मुझे ला दो ना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें समोसा जरूर खिलाऊंगा। और वह मन ही मन में चिड़िया सोचने लगती है कि मैं कहाँ से समोसा खिला पाऊंगा, मुझे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, मैं कैसे अपनी बेटी को समोसा खिला पाऊंगा। माँ की यह बात सुन उसकी बेटी हंसने लगती है और खुशी से झूम उठती है, और वह दोनों में, माँ बेटी में बहुत सारा बात चीत होता है। टूनी चिड़िया उड़कर काम की तलाश में चली जाती है और वह बहुत दूर जाती है और सोचती है, मैं बहुत सारा काम करूँगा और बहुत सारा पैसे कमा कर मैं वह स्वादिष्ट समोसा अपने बेटी को जरूर खिलाऊंगा। और यह सोचते सोचते जा रहा था और वह एक तोते के पास पहुंच जाता है और बोलता है, तोता भैया, मुझे काम की तलाश है, मुझे आपके घर पर काम मिल सकता है। और यह बात सुन तोता बोला, अरे बहन, तुम काम करना चाहती हो, अच्छा ठीक है, मेरे यहाँ पर एक काम बचा है, क्या तुम वह काम करोगी, तो बताओ। यह बात सुन टूनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और मन में ही उनका लड्डू फूटना स्टार्ट हो जाता है और बोलती है, हाँ हम यह काम कर सकते हैं। और कुछ दिनों में वह तोता के यहाँ टूनी चिड़िया काम करने लगती है। दिन भर काम करने के बाद फिर शाम हो जाती है और सभी चिड़िया सो जाते हैं। फिर सुबह भी हो जाता है और सभी चिड़िया उड़ जाते हैं। मोनू चिड़िया अपनी माँ से बहुत सारा बात करती है और कहती है, माँ मैं समोसे खाऊंगा ना, मुझे समोसे मिलेगा ना, या, और बहुत ही खुश होती है और बहुत सारे बात करती है और बोलती है, माँ मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा मैं समोसे खाया हूँ, माँ मैं समोसे खाऊंगा ना। ऐसे करके वह बहुत ही खुश होती है। और हाँ बेटा, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे बहुत ही स्वादिष्ट समोसा ढेर सारे खिलाऊंगा, बस आप ऐसे ही खेलते रहना। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसे ले लो, जल्दी जल्दी आओ, समोसे ले लो, गरम गरम समोसे, अभी तक नहीं खाए होगे ऐसे समोसे, एकदम स्वादिष्ट समोसे, जल्दी जल्दी आओ, समोसे ले लो, वो भी सस्ते दामों में, जल्दी जल्दी आओ, समोसे ले। ऐसे कहकर कालू कौवा वह अपने समोसे को पूरी जंगल में बेच रहा था और सभी चिड़िया को स्वादिष्ट समोसे खिला रहा था। तभी टूनी चिड़िया आती है और बोलती है, समोसे कैसे दे। तो भैया, मुझे समोसे लेना है अपनी बेटी के लिए, तो कौवा बोलता है, अच्छा ठीक है ले लो। वह समोसे टूनी चिड़िया ले लेती है और उसके बदले वह अनाज के दाने दे देती है और फिर वह घर चली जाती है। फिर वह घर पर
टूनी चिड़िया और उसकी बेटी खूब मज़े से समोसा खाते हैं और बहुत सारे बात करते हैं। और समय ऐसे ही बीतता जाता है और उसकी बेटी समय के साथ बड़ी हो जाती है और वह दोनों खुशी खुशी अपने जीवन जीने लगते हैं।